बात कर लेते हैं राजस्थान क्रिकेट संघ की। राजस्थान क्रिकेट संघ में इन दिनों घमासान जारी है। संघ की एडहॉक कमेटी ने पूर्व सचिव सहित पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वहीं अब पूर्व सचिव भवानी शंकर सामोता भी सामने आ गए हैं। सामोता ने एडहॉक कमेटी के द्वारा लगाए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर न्यायालय में चल रहे मुकदमों को प्रभावित करने और जिला संघों को तोड़ने का एक प्रयास है। एफआईआर में 6 बिंदु हैं, मोटा मोटा 6 में से 5 मेरे कार्यकाल से संबंधित नहीं है और सारे बिंदु के आगे मेरा नाम लिखा गया है, अन्य किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं लिखा जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेल इंटेंशन है। सर साहब ने हमारे 5 बिंदु पर जांच की, 2 में हमें दोषी पाया। मैंने एक्सप्लेन किया कि हम दोषी किस तरह नहीं है। हमने बाकायदा ऑडिटेड बैलेंस शीट भेजी, भारतीय डाक विभाग की रसीद पेश की, हमने सब खेल आयोजन कराए, सब खेलों के सारे ड्रॉ मैंने आपको बोल के सुनाए। तो फिर हम तो दोषी हैं ही नहीं, हमने खेल भी कराए, ऑडिटेड बैलेंस शीट भी भेजी है, फिर भी उन्होंने तदर्थ समिति लगा दी। कोई बात नहीं, अपना क्रिकेट आगे होना चाहिए, आईपीएल के मैच होने चाहिए, अपने जो कैलेंडर ऑफ द बीसीसीआई उसकी पालना होनी चाहिए।